नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसएससी जीडी में 57,000 पदों पर जो भर्तियां निकल रही हैं उसको लेकर के आप लोगों के काफी सारे सवाल हैं परीक्षा को और फिजिकल को लेकर के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि यहां पर इस बार आपकी दौड़ पहले होगी या परीक्षा होगी, प्रूफ के साथ में आप बने रहे पूरे वीडियो में। और दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की अपडेट आपके मोबाइल पर भी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आपको सर्च करना है नियो वोल्टेक। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने सरकारी नौकरी फ्री गवर्नमेंट जॉब की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, जब भी कोई हम अपडेट डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपसे शिकायत हमेशा रहती है कि आप वीडियो देख लेते लाइक नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों एसएससी जीडी में इस बार परीक्षा पहले होगी। जी हाँ दोस्तों, आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपको सबसे पहले परीक्षा देनी होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं अमर उजाला न्यूज चैनल में ये खबर आई थी जिसमें एसएससी जीडी की 57,000 कांस्टेबल की भर्ती की जो खबर थी वो आपको बताई गई है। और यहाँ पर आप देखते हैं लिखित परीक्षा के बारे में मेडिकल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक मानकों की जांच, मेडिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता की जांच होगी। तो सबसे पहले आपका होगा लिखित परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे में भी आरपीएफ में भी इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न एग्जाम पहले लिया जा रहा है आपका सीबीटी एग्जाम। तो हर परीक्षाओं में आजकल आपका सीबीटी एग्जाम पहले लिया जाता है ताकि यहाँ पर जो है छटनी हो जाए। और दोस्तों आयोग की ओर से होने वाली परीक्षा में सामान्य जानकारी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, सामान्य गणित, अंग्रेजी, हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम सिलेबस भी है जिसपे आपको तैयारी करनी है, फोकस करना है, तभी जाकर के आप एसएससी जीडी की परीक्षा में फाइट कर पाएंगे, क्वालिफाई हो पाएंगे और आप नौकरी पा पाएंगे अगर आपका सपना एसएससी जीडी में जाने का है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को और घंटी का बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।